नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन. अभी हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर. नेक्स्ट आएगा अ नर्व टाइप दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन. ठीक है, वो कौन सा नर्व्स, वो कौन सी नर्व हुई, सेंसरी नर्व्स, क्योंकि वही हमारे ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सिग्नल देती हैं ब्रेन को. ठीक है, एंड द नर्व टाइप दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू आई, उसे हम क्या बोलेंगे, मोटर नर्व्स. ठीक है, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मैसेजेस हैं वो मसल और ग्लैंड को कंट्रोल करने में देती है. क्लियर. सो चेक पॉइंट वन का बेटे फर्स्ट का आंसर है सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम. तो ऑटोमेटिक एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन. अ नर्व टाइप दैट कैरी मैसेज फ्रॉम नोज टू ब्रेन, तो वो होगा सेंसरी नर्व्स. अ नर्व टाइप दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू आई, तो वो होगा हमारे पास मोटर नर्व्स. इज दैट क्लियर बेटे. आगे हम पढ़ेंगे आर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं. आर टंग अनेबल अस टू नो द टेस्ट ऑफ आर फूड, सिमिलरली वी सी विद आर आईज, हेयर विद आर ईयर्स, स्मेल विद आर नोज एंड फील द हॉट कोल्ड रफ और स्मूथ विद द हेल्प ऑफ आर स्किन. तो हमारे बेटे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं. आईज होती हैं जिससे हम देख सकते हैं, ईयर्स होते हैं जिससे सुन सकते हैं, नोज होता है जिसे सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और टंग होती है जिससे हम किसी भी तरह का टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन से हम कुछ भी फील कर सकते हैं, चाहे वो हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आईज की. आईज द ऑर्गन ऑफ साइट. आईज कौन सा ऑर्गन होता है जिससे हम देख सकते हैं, आई साइट बोलते हैं ना, देखने की क्षमता आईज. क्लियर, द आईज आर ऑर्गन ऑफ साइट. द आईलिड एंड आईलैशेज प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डस्ट एंड डर्ट. तो आईलिड्स हमारी जो होती हैं वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करके रखती है किसी भी तरह की डस्ट और डर्ट से.